हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कशन होगा कि AIATC के एग्जामिनेशन में क्वांट्स यानी कि जनरल एप्टीट्यूड की तैयारी कैसे करें। देखो, जनरल एप्टीट्यूड में आपके कुछ फिक्स चैप्टर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, मान लो टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड स्ट्रीम, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। DI के 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन था पिछली बार शायद। तो अब इन 15 क्वेश्चन में से आपको मैक्सिमम में से मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन का लेवल SSC CGL से कम होता है। अब SSC CGL वाला लगा लोगे तो बहुत बेस्ट है प्रिपरेशन के लिए। लेकिन सबसे पहला काम आपको जो करना है वो 2020 सॉरी 2022, 2021, 2018, 2016, 2015। 2015 में 2 सेट था, 2016 में 2 सेट था, 2018 में 3 सेट था, 2020 में 3 शिफ्ट था, और 2022 में भी 3 शिफ्ट, 2020 नहीं, 2021 में और 2022 में 400 वाली वैकेंसी में भी 3 शिफ्ट था। तो आपको करना क्या है कि इनके सारे पेपर, 3 3 6 2 8 2 10 3 13, आपके पास काफी पेपर हो गए, आपको इनको लगा लेना है अच्छे से, है ना। इनके सारे क्वेश्चन आपके पास ऐसे होने चाहिए, अरे इस साल तो इस ईयर में ये क्वेश्चन आया था, इस ईयर में ये क्वेश्चन आया था, आपको मतलब इतना प्रैक्टिस कर लो कि आपको पता होना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऐसा कॉन्क्लूजन मत निकालना कि क्वेश्चन यहां से आ रहा है तो यहीं से आएगा। AI में एग्जाम कहीं से, AI एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से आ सकता है। तो आपके जो पूरा क्वांट्स है ना, वो सारा आपको पढ़ना है। और पढ़ने का तरीका क्या होगा कि आप क्या करो, इन पेपर को लगा लो, आइडिया लग जाएगा। दो तरीके हैं। देखो, पहला तरीका कि आपको आता है, आपकी चीजें प्रिपेयर है, आपको प्रैक्टिस में बने रहना है। तो आप एक काम करना गाइस, आज से लेके एग्जाम वाले दिन तक डेली 15 क्वेश्चन मिक्स ऑफ एवरी चैप्टर लगाते रहना। कहां से उठाओगे, कोई बुक है वहां से उठा लो, या तो फिर आप कोई पेपर उठा लेना, SSC CGL का उठा लेना, CHSL का उठा लेना, RRB का उठा लेना, है ना। कोई भी बैंकिंग का मत उठाना, है ना, बैंकिंग डिफरेंट हो जाता है, बैंकिंग का रीजनिंग भी अलग होता है, तो रीजनिंग की बात हम अगले में करेंगे। तो अपन को करना क्या है कि वहां से क्वेश्चन हम लोग जो है इसके लगाएंगे, और डेली डेली 15 क्वेश्चन आपको, कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी लगा लो, क्योंकि अब मैं मान चल रहा हूं आपको आता है, आपको प्रैक्टिस में बने रहना है। अब दूसरी बात आती है कि सपोज आपका लगता है कि नहीं यार मेरे को उतना आता नहीं है, मुझे कुछ कुछ चैप्टर प्रिपेयर करना है, तो आप एक काम करना, 15 15 क्वेश्चन आप एक ही चैप्टर के जरूर लगा लेना। सपोज कि आपने टाइम एंड वर्क उठाया तो 15 क्वेश्चन यहां से लगा लिया, करेक्ट। अब आपने दूसरा चैप्टर उठाया, 15 क्वेश्चन यहां से लगा लिया, DI उठाया यहां से लगा लिया। तो ये काम आपको थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, और फिर बाद में मिक्सअप ऑफ जरूर लगाना होगा, क्योंकि 15 क्वेश्चन मिक्स करके जरूर लगाने की कोशिश करो। सैटरडे संडे में लगा लेना, किसी भी दिन आपको खाली मिले उस दिन लगा लेना, लेकिन अगर आप फ्रेश पढ़ रहे हो तो 15 20 क्वेश्चन एक ही चैप्टर के आपको लगाना है, राइट। तो इस तरह से आप बने रहोगे, प्रैक्टिस में बने रहोगे, और ट्राई टू स्कोर ना 15 में से 13 14 स्कोर करने की कोशिश करो, क्योंकि यहां से लोग करते हैं, है ना। 30 15 में आप मान के चलोगे 13 14, यहां से 30 में आप मान के चलो क्वांट्स रीजनिंग मिला के आप 30 में 27 28 ले आते हो, उधर GK और रीजनिंग में मिला के 30 में आप जो है, सपोज कि GK आपका डिपेंड करता है इंग्लिश आप कितनी अच्छी है, GK के लिए टेंशन लेना नहीं है, अपन बता चुके हैं। तो उसके लिए मान लो आप 25 लेके आते हो सपोज उधर, तो 25 और 27 इधर से कितना हो गया, 52 हो गया, उधर 47 खींच देना, आपका काम हो जाएगा ना। तो इस तरह से आपको फोकस करना है और पढ़ाई करना है। बाकी कोई डाउट है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।